रामेश्वरम अर्थात राम के भगवान, जो कि रामनाथ स्वामी मंदिर के प्रमुख देवता शिव के रूप में विराजमान हैं। रामेश्वरम हिंदुओं का एक पवित्र तीर्थ माना जाता है। यह तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। यह तीर्थ हिंदुओं के चार धामों में से एक है। चारों धामों में से एक इस धाम की यात्रा बद्रीनाथ धाम के बाद की जानी चाहिए। इसके अलावा यहां स्थापित शिवलिंग को 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। भारत के उत्तर में स्थित काशी की जो मान्यता है, वही मान्यता दक्षिण में स्थित रामेश्वरम की है। माता सीता को छुड़ाने के लिए श्री राम ने लंका पर चढ़ाई की थी। उन्होंने युद्ध के बिना माता सीता को छुड़वाने का बहुत प्रयत्न किया। इतने प्रयत्नों के बाद भी जब रावण नहीं माना तो विवश होकर उन्हें युद्ध करना पड़ा। इस युद्ध के लिए श्री राम को संपूर्ण वानर सेना सहित सागर पार करना था, जो कि अत्यधिक कठिन कार्य था। तब श्री राम ने युद्ध में विजय प्राप्त करने के पश्चात ब्राह्मण हत्या के पाप से मुक्ति के लिए देवों के देव महादेव की आराधना के लिए समुद्र किनारे की रेत से शिवलिंग का अपने हाथों से निर्माण किया और भगवान शिव से मानव कल्याण के लिए उन्हें इस शिवलिंग में ही अपने ज्योति स्वरूप में प्रकट होने के लिए आग्रह किया। इस पर भगवान शिव ने इस स्थान को श्री रामेश्वरम की उपमा दी। इस युद्ध में रावण के साथ उसका पूरा राक्षस वंश समाप्त हो गया और अंततः माता सीता को मुक्त कराकर श्री राम वापस लौटे। एक अन्य कथा के अनुसार श्री राम एक ब्राह्मण को मारने के दोष को खत्म करने के लिए भगवान शिव की पूजा करना चाहते थे, परंतु वहां कोई मंदिर ही नहीं था। इसीलिए श्री राम ने हनुमान जी को कैलाश पर्वत पर भगवान शिव का आत्मलिंग लाने के लिए भेजा, परंतु हनुमान जी भोलेनाथ को अर्पण करने के लिए बेलपत्र को लाने के चक्कर में समय पर नहीं पहुंच सके। तो देवी सीता ने समुद्र की रेत से ही शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा आरंभ कर दी। जब हनुमान जी वापस लौट पर आए तो उन्होंने देखा कि प्रभु श्री राम ने उनकी प्रतीक्षा किए बिना ही पूजा आरंभ कर दी। इससे हनुमान जी निराश हो गए और अपने द्वारा लाए आत्मलिंग को स्थापित करने की हट करने लगे। इस पर महादेव वहां प्रकट हुए और उन्होंने भगवान श्री राम और भक्त हनुमान जी दोनों से ही दोनों शिवलिंगों को वहां स्थापित करवा दिया और इस प्रकार हनुमान जी द्वारा स्थापित किए गए आत्मलिंग को विश्वलिंगम और श्री राम द्वारा स्थापित किए गए पार्थिव शिवलिंग को रामलिंगम के नाम से पुकारा जाने लगा और इस तरह से इस स्थान को रामेश्वरम के नाम से जाना जाने लगा। रामेश्वरम का मंदिर भारतीय निर्माण कला और शिल्पकला का एक सुंदर नमूना है। मंदिर का प्रवेश द्वार 40 फीट ऊंचा है। मंदिर के अंदर सैकड़ों विशाल खंभे हैं, जो देखने में तो एक जैसे लगते हैं, परंतु पास जाकर बारीकी से देखने पर पता चलता है कि हर खंभे पर अलग अलग कारीगरी की गई है। रामनाथ की मूर्ति के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए तीन घेरा बने हुए हैं। इसमें से तीसरा प्राकार 100 साल पुराना है। इस प्राकार की लंबाई 400 फुट से भी अधिक है। दोनों ओर 5 फुट ऊंचा और करीब 8 फुट चौड़ा चबूतरा बना हुआ है। चबूतरे के एक ओर पत्थर के बड़े बड़े खंभों की लंबी कतारें खड़ी है। इन खंभों की अद्भुत कारीगरी को देखकर विदेशी भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। यहाँ का गलियारा विश्व का सबसे लंबा गलियारा है। रामनाथ मंदिर के चारों ओर दूर दूर तक कोई पहाड़ नहीं है जहाँ से पत्थर आसानी से लाए जा सके। रामेश्वरम के मंदिर कई लाख टन पत्थर लगे हुए हैं। कहा जाता है कि इन पत्थरों को श्रीलंका से नावों में लादकर लाया गया था। रामनाथ जी के मंदिर के भीतरी भाग में एक तरह का चिकना काला पत्थर लगा है। कहते हैं, कहा जाता है कि यह पत्थर श्री राम ने केवटराज को राजतिलक के समय अपने चिन्ह के रूप में उन्हें दिया था। रामेश्वरम की यात्रा करने वाले लोग इस काले पत्थर को देखने के लिए रामनाथपुरम जाते हैं। रामनाथपुरम रामेश्वरम से लगभग 53 किलोमीटर दूर है। द्वारकाधीश मंदिर भगवान श्री हरि विष्णु के 8वें अवतार भगवान श्री कृष्णा को समर्पित है। यह मंदिर भारत के गुजरात के गोमती नदी के तट पर द्वारका में स्थित है। 5 मंजिला इमारत और 72 स्तंभों वाला यह मंदिर जगत मंदिर या निज मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। यह मंदिर लगभग 2200 साल पुराना बताया जाता है। 15वीं-16वीं शताब्दी में मंदिर का विस्तार किया गया। द्वारकाधीश के मूल मंदिर का निर्माण भगवान श्री कृष्ण के वंशज और उनके परपोते वज्रभनाथ ने करवाया था, जबकि द्वारकापुरी का निर्माण भगवान श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा जी से करवाया था।
आज भी कई रिसर्च से समुद्र के गर्भ में द्वारका नगरी के अनेक अवशेष मिले हैं, जिन पर लगातार शोध जारी है। द्वारकाधीश मंदिर भारत के गुजरात राज्य के द्वारका शहर में स्थित है। यह शहर गुजरात के जिले जामनगर में पड़ता है, जो भारत के पश्चिम तट पर अरब सागर के किनारे स्थित है। यह मंदिर भारत में हिंदुओं द्वारा पवित्र माने जाने वाले चार धाम तीर्थ का हिस्सा है। अन्य तीन में रामेश्वरम, बद्रीनाथ और जगन्नाथपुरी शामिल हैं। मंदिर की पूरी ऊंचाई लगभग 157 फीट है। इस मंदिर के शिखर पर एक झंडा लगा हुआ है। मंदिर के ऊपर का ध्वज सूर्य और चंद्रमा को दर्शाता है, जो कि यह दर्शाता है कि जब तक सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी पर मौजूद रहेंगे, तब तक श्री कृष्ण रहेंगे। ध्वज को दिन में 5 बार बदला जाता है। इस ध्वज की लंबाई 52 गज होती है। हर बार समान प्रतीक के साथ अलग रंग का ध्वज फहराया जाता है। इस ध्वज को कई मील दूर से भी देखा जा सकता है। मंदिर का शिखर 78.3 मीटर ऊंचा है। मंदिर का निर्माण चूना पत्थर से हुआ है, जो अभी भी प्राचीन स्थिति में ही है। एक किंवदंती के अनुसार द्वारका नगरी का निर्माण श्री कृष्ण के आग्रह पर भगवान विश्वकर्मा द्वारा गोमती नदी के तट पर समुद्री भूमि के एक टुकड़े पर किया गया था। कहते हैं कि विश्वकर्मा जी द्वारा केवल एक रात्रि में ही इस भव्य नगरी का निर्माण पूरा हो गया था। उस समय यह द्वारका नगरी स्वर्ण द्वारका के नाम से जानी जाती थी, क्योंकि उस काल के दौरान अपनी धन, वैभव और समृद्धि के कारण यहाँ स्वर्ण का दरवाजा लगा हुआ था। एक बार दुर्वासा ऋषि श्री कृष्ण और उनकी पत्नी रुक्मिणी जी से मिलने गए। उनसे मिलने के बाद उन्होंने श्री कृष्ण से उनके निवास स्थान द्वारका नगरी पर चलने का अनुरोध किया। द्वारका नगरी की तरफ कुछ दूर जाने के बाद ही रुक्मिणी देवी थक गईं और उन्होंने श्री कृष्ण से पानी पीने का अनुरोध किया, जिसके बाद श्री कृष्ण ने देवी रुक्मिणी की प्यास बुझाने के लिए एक पौराणिक छेद से गंगा नदी के धारा को प्रवाहित कर दिया। इस घटना से महर्षि दुर्वासा को ऐसा लगा कि रुक्मिणी देवी उन्हें द्वारका जाने से रोकने का प्रयास कर रही हैं, जिससे क्रोधित होकर दुर्वासा ऋषि ने रुक्मिणी जी को उसी स्थान पर रहने का श्राप दे दिया। माना जाता है कि जिस स्थान पर रुक्मिणी देवी श्राप के समय खड़ी हुई थी, उसी स्थान पर द्वारकाधीश मंदिर का निर्माण किया गया। द्वारकाधीश मंदिर के 52 गज के ध्वज के पीछे अनेक किंवदंतियां प्रचलित हैं, जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं कि द्वारका पर 56 प्रकार के यादवों ने राज किया था, जिनमें से मुख्य 4 बलराम जी, श्री कृष्ण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध के मंदिर तो अभी भी बने हुए हैं। शेष बचे 52 प्रकार के यादवों के प्रतीक के रूप में यह ध्वज 52 गज का है। एक और मान्यता अनुसार 12 राशि, 27 नक्षत्र, 10 दिशाएं, सूर्य, चंद्रमा और श्री द्वारकाधीश मिलकर 52 होते हैं। इसीलिए द्वारकाधीश मंदिर पर 52 गज का ही ध्वज फहराया जाता है। इस ध्वज की खासियत यह है कि हवा की दिशा चाहे जो भी हो, यह ध्वज हमेशा पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर ही लहराता रहता है। एक और मान्यता अनुसार द्वारका में एक समय पर 52 द्वार हुआ करते थे। यह ध्वज उसी का प्रतीक है। मंदिर के इस ध्वज को एक खास दर्जी ही सिलता है। जब ध्वज बदलने की प्रक्रिया होती है तो उस तरफ देखने की भी मनाही होती है। महाभारत के युद्ध में पांडवों का समर्थन करने के कारण कौरवों की माता गांधारी ने युद्ध के पश्चात भगवान श्री कृष्ण को यह श्राप दिया था कि जिस तरह श्री कृष्ण ने सभी भाइयों को आपस में लड़वाकर उनके कुल का नाश किया है, ठीक उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण का यदुवंश भी आपस में लड़कर समाप्त हो जाएगा और श्री कृष्ण को चाहकर भी यह विनाश रोक नहीं पाएंगे और उनको यह विनाश अपनी आँखों से देखना पड़ेगा। आगे श्राप देते हुए माता गांधारी ने कहा कि श्री कृष्ण को अपने निवास स्थान से दूर कहीं किसी घने जंगल में मृत्यु आएगी। उनकी मृत्यु के समय उनका कोई भी अपना उनके साथ नहीं होगा। तत्पश्चात द्वारका नगरी भी समुद्र के गर्भ में समा जाएगी। महाभारत युद्ध के ठीक 36 वर्षों के बाद माता गांधारी का श्राप फलित हुआ और यदुकुल की समाप्ति के पश्चात द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई। नर और नारायण पर्वत श्रृंखलाओं की गोद में अलकनंदा नदी के बाई तरफ बसे आदितीर्थ बद्रीनाथ धाम श्रद्धा व आस्था का अटूट केंद्र है। यह तीर्थ हिंदुओं के 4 प्रमुख धामों में से एक है। यह पवित्र स्थल भगवान विष्णु के चतुर्थ अवतार नर एवं नारायण की तपोभूमि है।
इस धाम के बारे में कहावत है कि जो जाए बद्री वो न आए ओदरी, यानी जो व्यक्ति बद्रीनाथ के दर्शन कर लेता है उसे माता के गर्भ में दोबारा नहीं आना पड़ता। प्राणी जन्म और मृत्यु के चक्र से छूट जाता है। जब भगवान श्री विष्णु अपनी तपस्या के लिए उचित स्थान देखते देखते नीलकंठ पर्वत और अलकनंदा नदी के तट पर पहुंचे तो यह स्थान उनको अपने ध्यान योग के लिए बहुत पसंद आया। पर यह जगह तो पहले से ही शिवभूमि थी। तब विष्णु भगवान ने यहाँ बाल रूप धारण किया और रोने लगे। उनके रुदन को सुनकर स्वयं माता पार्वती और शिवजी उस बालक के समक्ष उपस्थित हो गए और बालक से पूछा कि उसे क्या चाहिए। बालक ने ध्यान योग करने के लिए शिव से यह स्थान मांग लिया। भगवान विष्णु ने शिव पार्वती से रूप बदलकर जो स्थान प्राप्त किया वही पवित्र स्थल आज बद्री विशाल के नाम से प्रसिद्ध है। एक समय भगवान विष्णु तपस्या में लीन थे तो अचानक बहुत हिमपात होने लगा। तपस्यारत श्रीहरि बर्फ से पूरी तरह ढकने लगे। उनकी इस दशा को देखकर माता लक्ष्मी ने वहीं पर एक विशालकाय बेर के वृक्ष का रूप धारण कर लिया और हिमपात को अपने ऊपर सहन करने लगीं। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु को धूप, वर्षा और हिमपात से बचाने के लिए कठोर तपस्या करने लगीं। काफी वर्षों के बाद जब श्री विष्णु ने अपना तप पूर्ण किया तो देखा कि उनकी प्रिया लक्ष्मी जी तो पूरी तरह बर्फ से ढकी हुई हैं। तब श्री हरि ने माता लक्ष्मी के तप को देखकर कहा, हे देवी, तुमने मेरे बराबर ही तप किया है, इसलिए आज से इस स्थान पर मुझे तुम्हारे साथ ही पूजा जाएगा और तुमने मेरी रक्षा बद्री वृक्ष के रूप में की है, अतः आज से मुझे बद्री के नाथ यानी बद्रीनाथ के नाम से जाना जाएगा। इस तरह से भगवान विष्णु का नाम बद्रीनाथ पड़ा। मान्यता है कि जोशीमठ में जहाँ शीतकाल में बद्रीनाथ की चल मूर्ति रहती है वहाँ नृसिंह का एक मंदिर है। शालिग्राम शिला में भगवान नृसिंह का अद्भुत विग्रह है। इस विग्रह की बाईं भुजा पतली है और समय के साथ यह और भी पतली होती जा रही है। जिस दिन इनकी कलाई मूर्ति से अलग हो जाएगी उस दिन नरनारायण पर्वत एक हो जाएंगे, जिससे बद्रीनाथ का मार्ग बंद हो जाएगा, कोई यहां दर्शन नहीं कर पाएगा। यह भी माना जाता है कि व्यास जी ने महाभारत इसी जगह पर लिखी थी और नरनारायण ने ही क्रमशः अगले जन्म में क्रमशः अर्जुन तथा कृष्ण के रूप में जन्म लिया था। महाभारत कालीन एक अन्य मान्यता यह भी है कि इसी स्थान पर पांडवों ने अपने पितरों का पिंडदान किया था। इसी कारण से बद्रीनाथ के ब्रह्मपाल क्षेत्र में आज भी तीर्थयात्री अपने पितरों का आत्मा की शांति के लिए पिंडदान करते हैं। भारत के उड़ीसा राज्य में पुरी में स्थित प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ मंदिर भक्तों के लिए एक प्रमुख आस्था रखता है। यह हिंदू धर्म के चार प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है और यहाँ पर वार्षिक रथ उत्सव या रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है जो विश्व भर में प्रसिद्ध है। यह मंदिर आस्था का केंद्र होने के साथ साथ अपने कुछ आश्चर्यों से सबको अचंभित भी कर देता है। एक पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु ने राजा इंद्रद्युम्न को आशीर्वाद दिया था, जिसके बाद ही उन्होंने इस पवित्र मंदिर का निर्माण करवाया था और भगवान विष्णु के आशीर्वाद से उन्हें अपने सपनों में नीला माधव को खोजने के लिए मार्गदर्शन प्राप्त हुआ था। एक दिन नदी में पवित्र डुबकी लगाने के दौरान राजा इंद्रद्युम्न ने एक लकड़ी की छड़ी को पानी में तैरते हुए पाया। तब भगवान विष्णु ने राजा को ऐसे संकेत दिए कि पानी में तैरने वाली छड़ी उनका दिल है जो हमेशा के लिए इस भूमि पर रहेगा। तब राजा ने भगवान की आज्ञा अनुसार उस छड़ी के भगवान जगन्नाथ के रूप में मंदिर में स्थापित किया, लेकिन उन्होंने कभी भी किसी को उस छड़ी को देखने या उसे छूने की अनुमति नहीं दी थी। जगन्नाथ मंदिर के अद्भुत रहस्य। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जब पांडवों ने स्वर्ग के लिए यात्रा की शुरुआत की तो सप्त ऋषियों ने उन्हें मोक्ष को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले चार धाम की यात्रा को करने की सलाह दी। पुरी में स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर चार धाम के पवित्र स्थानों में से एक है। भगवान जगन्नाथ जी की मूर्ति हमेशा से लोगों के लिए वर्जित रही है और भक्त उनके दर्शन केवल एक विशेष अवधि के लिए ही कर सकते हैं। इन सभी तथ्यों के अलावा भगवान जगन्नाथ मंदिर के अद्भुत रहस्य के लिए भी जाना जाता है, जो किसी भी वैज्ञानिक व्याख्या के एकदम विपरीत हैं। इन सभी रहस्यों के पीछे लोगों का यह मानना है कि ये सभी रहस्य वास्तव में भगवान जगन्नाथ का ही आशीर्वाद है। इन सभी आश्चर्यों का अनुभव करने के लिए आपको इस दिव्य स्थान की यात्रा करने की आवश्यकता है। मंदिर का झंडा जो हमेशा हवा की उल्टी दिशा में लहराता है। जगन्नाथ मंदिर के अद्भुत रहस्य है कि मंदिर के शिखर पर लगा झंडा अजीब तरह से हमेशा हवा की विपरीत दिशा में ही लहराता है।
हवा के विपरीत दिशा में लहराता हुआ झंडा सभी वैज्ञानिक तर्कों को अस्वीकार कर देता है और यह आपको यह मानने पर विवश कर देता है कि विज्ञान की तुलना में भी कुछ ऐसा बल है जो बहुत अधिक शक्तिशाली है। मंदिर के शिखर पर लगा सुदर्शन चक्र। जगन्नाथ मंदिर के अद्भुत रहस्य, यह चक्र वास्तव में 20 फीट ऊंचा है और इसका वजन 1 टन है। इसे मंदिर के ऊपर शिखर पर लगाया गया है। लेकिन इस चक्र के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि आप इस चक्र को पूरी शहर के किसी भी कोने से देख सकते हैं और यह हमेशा आपको अपने सामने ही दिखाई देगा। चक्र का स्थान और उसकी स्थिति के पीछे की इंजीनियरिंग आज भी एक रहस्य है। आपको यह जानकर और भी आश्चर्य होगा कि कोई भी पक्षी या विमान इस मंदिर के ऊपर से नहीं उड़ते हैं। इसके विपरीत ऐसा चमत्कार भारत के अन्य दूसरे किसी भी मंदिर में दुर्लभ है। यह साइट वास्तव में एक नो फ्लाई जोन है जिसे किसी भी राज्य शक्तियों के द्वारा घोषित नहीं किया गया है, लेकिन इसके पीछे कुछ दैवीय शक्ति कारण है। अभी तक इस रहस्य का स्पष्ट रूप से किसी भी प्रकार का कोई स्पष्टीकरण मौजूद नहीं है, इसलिए यह अभी तक एक रहस्य ही बना हुआ है। जगन्नाथ मंदिर में 4 दरवाजे हैं और सिंहद्वार मंदिर में प्रवेश के लिए मुख्य द्वार है। जब आप सिंहद्वार के माध्यम से मंदिर में प्रवेश करते हैं तो आपको समुद्र की लहरों की आवाज स्पष्ट रूप सुनाई देती है, लेकिन जब आप एक बार सिंहद्वार को पार कर लेते हैं तो लहरों की आवाज सुनाई देना बंद हो जाती है। लेकिन यदि आप बस एक मोड़ लें और उसी दिशा में वापस चलें तो आपको लहरों की आवाज वापस सुनाई देगी। जब तक आप मंदिर के अंदर रहेंगे तब तक आपको लहरों की आवाज नहीं सुनाई देगी। जगन्नाथ मंदिर के अद्भुत रहस्य। आपने दुनिया के किसी भी हिस्से में यह आपने देखा होगा कि दिन के समय में हवा समुद्र से जमीन पर आती है और यह शाम के समय भूमि से समुद्र की ओर बढ़ती है। हालांकि इस विषय में यह भौगोलिक कानून पूरी में उल्टा है। यहां पर सब कुछ प्राकृतिक नियमों के विपरीत ही होता है। यहां हर दिन एक पुजारी मंदिर के शिखर पर चढ़ता है झंडा बदलने के लिए। यह मंदिर 45 मंजिला इमारत जितना ऊंचा है। यह अनुष्ठान 1800 वर्षों से निरंतर चल रहा है। इस विषय में यह माना जाता है कि यदि यह अनुष्ठान कभी छूट गया तो यह मंदिर अगले 18 वर्षों के लिए बंद हो जाएगा। भगवान जगन्नाथ के मंदिर में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। हर दिन के आधार पर यह रिकॉर्ड बताते हैं कि मंदिर में 2000 से 20000 तक भक्त दर्शन करने आते हैं। लेकिन इस मंदिर में पकाए जाने वाले प्रसाद की मात्रा कभी भी कम नहीं पड़ती और यह पूरे साल भर एक ही रहती है। यहाँ यह जगन्नाथ मंदिर के अद्भुत रहस्य है कि प्रसाद कभी भी बर्बाद नहीं होता है या ना ही किसी भी दिन यह कम पड़ता है। भगवान जगन्नाथ के मंदिर में स्थित यह रसोई दुनिया की सबसे बड़ी रसोई मानी जाती है। इस रसोई में एक साथ 500 के करीब रसोइये और 300 के आसपास इनके सहयोगी मिलकर भगवान के लिए प्रसाद को तैयार करते हैं। यहाँ प्रसाद को पकाने में जलाव लकड़ी व मिट्टी के बर्तनों का उपयोग किया जाता है। 7 मिट्टी के बर्तनों को एक के ऊपर एक रखा जाता है। इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि सबसे ऊपरी रखे बर्तन की सामग्री सबसे पहले पक जाती है, उसके बाद नीचे के बर्तन में रखी सामग्री पकती है। हमें पूरी उम्मीद है यह जानकारी आपके लिए काफी उपयोगी साबित होगी। यदि इससे संबंधित आपके पास कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप उसे हम तक पहुंचा सकते हैं। आप इस जानकारी को अपने दोस्तों और सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें।